नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। साल 1947 में भारत को दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया, जिसमें पहला देश तो भारत ही रहा और धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के बाद मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना। दरअसल पाकिस्तान को इसी सोच के साथ बनाया गया था कि यहां पर मुस्लिम धर्म के लोग निवास करेंगे। हालांकि इसके बाद भी वहां कुछ मुस्लिम समुदाय के साथ बेहद खराब बर्ताव किया जाता है। अपने ही देश में उन्हें कई तरह के अपमान और तिरस्कार सहने पड़ते हैं। आज के समय में भी कई लोग वहां की नागरिकता के लिए परेशान हैं और काफी जद्दोजहद के बाद भी कोई खास परिणाम नहीं निकला। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है जहां अलग अलग वर्गों और समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं इस बीच एक ऐसा समुदाय है जो आज भी खुद को मुस्लिम बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है और उन्हें मुस्लिम नहीं माना जाता। जी हाँ, यानी कि उन्हें मुस्लिमों का दर्जा नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोग आज भी अपनी पहचान के लिए परेशान हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन अहमदिया समुदाय के मुस्लिमों को वहां पर शिकार बनाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यहां तक कि उनके प्रार्थना स्थल और कब्रिस्तान में भी तोड़फोड़ की जाती है। अहमदिया लोगों का कहना है कि वो भी इस्लाम को मानते हैं और कुरान में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कोई सम्मान अधिकार नहीं है, यानी कि फिर भी उन लोगों का कोई सामान जो अधिकार है पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि उनके साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया जाता है। बुरे बर्ताव और परेशान करने से भी मन नहीं भरता तो इन लोगों को ईश निंदा के मामलों में लपेटा जाता है और कड़ी सजा प्रताड़ना दी जाती है। इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर अहमदिया मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देश में रहने को मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में अहमदिया मुसलमानों को मुस्लिम माना ही नहीं गया है, बल्कि ये खुद को मुस्लिम मानते हैं। उन्हें अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम धार्मिक समुदाय का दर्जा दिया गया है और पाकिस्तान ने संविधान संशोधन के जरिए इन्हें गैर मुस्लिम घोषित किया था। यहां तक कि इन्हें मस्जिदों में भी जाने की मनाही है, यहां तक कि वो अपने प्रार्थना स्थलों पर मीनार नहीं बना सकते। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लगभग 5 लोग रहते हैं। अहमदिया मुस्लिम समुदाय की शुरुआत साल 1889 में भारत के पंजाब के लुधियाना में अहमदी आंदोलन के साथ हुई। मिर्जा गुलाम अहमद इस समुदाय के संस्थापक थे, जिनका कहना था कि वो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी हैं और अल्लाह उन्हें शांति, अमन, खून खराबा रोकने के लिए जो है वो लेके आई है, खून खराबा रोकने के लिए मसीहा के तौर पर उन्हें चुना है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान में भी रह रहे अहमदिया समुदाय आज भी अपनी अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, आज भी अपनी वास्तविकता, आज भी अपने लिए संघर्ष कर रहा है और किस तरह से उसे प्रताड़ना मिल रही है। तो ये एक समुदाय है जो आज भी पाकिस्तान में रहता है, जिसकी 5 लाख की आबादी है, लेकिन संविधान में उसे अलग थलग दर्जा दिया गया है। उसके साथ बर्बरता होती है, दुष्व्यवहार किया जाता है। तो ये था अहमदिया समुदाय की कहानी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।